जय श्री राम। धन वैभव सुख संपन्नता के कारक ग्रह शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक वो शुक्र देव मकर राशि में गोचर कर रहे थे, अब वो शनि की दूसरी राशि यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर शनि स्वयं विद्यमान है। यानी बनेगा शनि और शुक्र का योग, जहां शास्त्र में इसको धन योग के नाम से भी जाना जाता है। 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक शुक्र ग्रह का गोचर जब शनि की राशि में रहेगा, जो कि उनकी मित्र की राशि है, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों आपस में मित्र हैं और शनिदेव शुक्राचार्य को अपना आचार्य भी मानते हैं। तो वहीं हम देखें तो शनि भी शुक्र की राशि यानी तुला राशि में ही उच्च के होते हैं। यानी शुक्र और शनि के योग को हम लक्ष्मी योग के लिए जानते हैं। ऐसा इसलिए भी हम कहते हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की कुंडली होती है और मेष लगन के लिए शुक्र दूसरे भाव और शनि एकादश के स्वामी हैं। ये दोनों ही भाव धन के भाव होते हैं, इसलिए शनि और शुक्र की ये युति बनने जा रही है ब्रह्मांड में 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा, वो सब हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपकी खास राशि यानी आपकी मुख्य राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। देखिए, जिन लोगों पर शनि या शुक्र से संबंधित दशाएं चल रही हैं, महादशा, अंतर या प्रत्यंतर, उन पर इसका खास प्रभाव होगा। अगर आपका जन्म धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, या आपको एक ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है वो धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो भी आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज्यादा होगा। या आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो होगा। शनि और शुक्र, शनि जिनको हम कर्म कारक कहते हैं, शुक्र जिसको हम भौतिक सुख संसाधन का कारक कहते हैं, जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो इसको योग कहा जाता है कि ये वो योग है जहाँ व्यक्ति अपनी हिम्मत, मेहनत और साहस से, अपने धैर्य से मेहनत करते हुए जीवन में आगे जाता है और सुख संसाधन को बटोर लेता है। किन लोगों पर इसका प्रभाव ज्यादा हो सकता है? देखिए, शुक्र ग्रह जिसको हम धन का कारक कहते हैं, वैभव सुख संसाधन का कारक कहते हैं, तो फिल्म लाइन, मॉडलिंग, नृत्य, संगीत, मीडिया, बॉलीवुड, सिंगिंग, डांसिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, स्टोन्स का वर्क जो करते हैं, राशि रत्नों का जो काम करते हैं, या जहां पर हमें लग्जरी दिखाई दे रही है, जहां पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये सुंदरता का विषय है, चाहे उसमें हम गारमेंट्स कहें, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज कहें, चाहे हम मॉडलिंग कहें, चाहे हम ब्यूटिशियन कहें या बुटीक कहें, ऐसे क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव और अधिक पड़ जाता है। शुक्र और शनि का योग कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग फील्ड में भी देखा जाता है, क्योंकि शनि की जो स्थितियाँ हैं वो व्यक्ति को एक टेक्निकल एजुकेशन कराती हैं। तो वहीं शुक्र ग्रह आईटी कंपनी वाले जो आईटी इंजीनियरिंग करते हैं, सीएस करते हैं, या इन्फो जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गई, उन क्षेत्रों के लिए भी इसको शुक्र और शनि के इस संयोग को अच्छा माना जाता है। तो अब हम जानते हैं कि शुक्र जब शनि की राशि कुंभ राशि में जाएंगे तो उनका किन किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, वो तो मैंने बता ही दिया कि भी अगर आपके ऊपर ये प्रभाव हैं जो अभी मैंने बताए हैं, तो और राशियों के मुकाबले आप पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अब हम इसको विस्तार से आपकी राशि में हम चर्चा करेंगे कि ये जो शुक्र शनि की स्थितियां अब युति बनेंगी, इसका आपके जीवन में कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा। जरूरी नहीं हम इसमें सारी ही चीजों को कवर करेंगे, हम यहाँ उन चीजों को कवर करेंगे जिन पर शुक्र रिजल्ट देने वाले हैं। अब कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि जी आपने शादी के बारे में नहीं बताया। भाई, जब उसका शादी से कोई लेना देना नहीं है तो हम जबरदस्ती क्यों बताएं? हम उसी को बताएंगे जहां से उसका एक्टिवेशन है, जहां से उसका संबंध बन रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विषय की और जानते हैं आपकी राशि पर शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा जब वो अपने मित्र शनि की राशि में गोचर करेंगे। देखते हैं आपकी राशि यानी मेष राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, मेष राशि के लिए शुक्र ग्रह के गोचर की हम बात कर रहे हैं और ये शुक्र शनि के साथ एकादश भाव में है, जिसको हम धन योग या लक्ष्मी योग भी कहते हैं, क्योंकि शुक्र धन वैभव संपन्नता का कारक है और शनि कर्म कारक। अब ये योग बना कहाँ है? लाभ भाव में। लाभ भाव यानी इनकम का, प्रमोशन का, तरक्की का और फायदे का भाव है, कि वहां पर जितने ज्यादा ग्रह जाएंगे उतने ज्यादा जीवन में धन के आगमन की स्थितियां और ज्यादा प्रबल हो जाएंगी। शनि पहले से ही वहां चल रहे हैं, शुक्र वहां आ गए हैं,
अब एकादश भाव में कुंभ राशि पड़ती है और ये एक वायु तत्व इच्छा पूर्ति की राशि है। तो इसको हम कहते हैं कि शुक्र और शनि का जो ये संयोग है, ये इस बात को दर्शाता है कि अब कोई इच्छा पूर्ति का समय आ रहा है आपके जीवन में। यानी इस दौरान कुछ स्थितियां ऐसी बनेंगी जिनका आप कुछ लंबे समय से वेट कर रहे हैं, तो उस वेट का अब इंतजार हो या आपका खत्म हो रहा है कि अब मुझे लाभ मिलने वाला है, अब मुझे फायदा मिलने वाला है। तो ये कहाँ से आता है? ये शुक्र से आएगा कि शुक्र अगर 11वें घर में पहुंचेंगे तो इच्छाओं की प्रबलता को भी बढ़ाएंगे, इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। ये समय आपकी तरक्की या प्रमोशन देने वाला होगा। आपको ऐसी स्थितियों में कहते हैं कि शुक्र शनि अगर संयोग बनाए तो हम कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए, क्योंकि 11th हाउस में बन रहा है यानी धन आना निश्चित है, किसी भी प्रकार से कोई तरक्की कोई प्रमोशन आदि रुका हुआ है तो उसमें फायदा मिल जाता है। अब आप ये देखिए, क्योंकि शनि 10th हाउस और 11th का मालिक है तो दशम भाव कर्म का है, एकादश भाव लाभ का है, यानी कर्म और लाभ दोनों में स्थितियां बेहतर होंगी। शुक्र दूसरे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा है तो ये शनि शुक्र का एक धन योग है, जो फिर से इस बात की पुष्टि करता है कि शुक्र और शनि की ये युति सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने, यानी मेन टारगेट कहाँ जा रहा है? सोर्स ऑफ इनकम, मेन टारगेट जा रहा है कहीं ना कहीं जो आप कर्म कर रहे हो उस कर्म करके लाभ में परिवर्तित होने का समय शुक्र और शनि के संयोग से बनता है। सप्तम भाव का मालिक भी आए तो क्या है? जीवन साथी का प्राप्त होना, जीवन साथी से मिलन होना, या कहते हैं जीवन साथी का लाभ होना कि आपका जीवन साथी यानी आपके हस्बैंड या वाइफ अगर किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें उसको सफलता मिल जाती है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनको शादी के बंधन में बंधने का मौका मिलता है, यानी इस दौरान रिश्ता पक्का होने की भी बातें होती हैं। तो शुक्र की ये स्थिति शनि के साथ बैठकर प्रबल है और दोनों प्लेनेट यहाँ से देखकर पंचम भाव को देखते हैं, यानी ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है, शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए ये समय ठीक होता है, ट्रैवलिंग करके भी फायदा मिल जाता है, कभी कभी शिक्षा के लिए या काम के लिए नौकरी के लिए ट्रैवलिंग्स करना भी आपके लिए फायदेमंद हो जाता है। क्योंकि ये ग्रह शुक्र यहाँ का मालिक होकर 11th में अपने से दशम में बैठा है और ये अपने से पंचम में है, यानी पंचम और दशम का एक कनेक्शन जब बने तो पंचम भाव विद्या बुद्धि शिक्षा, दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र, 11th में बने तो लाभ। तो जो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उसके बाद उनको प्लेसमेंट चाहिए तो ये समय आपके लिए अनुकूल है कि इस दौरान आपको नया काम, नई नौकरी, नई अपॉर्चुनिटी या व्यापार में नए लाभ के संकेत बनते हैं। यानी शुक्र और शनि की ये युति जो वर्षों वर्षों में एक बार बनती है, ये आपके लिए एक पॉजिटिव स्थिति को दिखाती है और 7 मार्च से लेकर लगभग 31 मार्च तक का ये समय आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए तैयार है। तो ये था मेष राशि के जातकों पर कैसा होगा शुक्र के गोचर का प्रभाव। जय श्री राम।